Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dipanita. I hope you all are doing really great. So today's video is going to be a product review vlog. तो मैं last 4-5 months से Dot & Key brand का vitamin C concentrate use कर रही हूँ. तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं share कर लेती हूँ मेरा इसका experience कैसा है and all. So चलिए start करते हैं आज का ये video. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट का प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है. तो पहले ऑब्वियसली स्टार्ट करते हैं प्रोज से. तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बात अच्छा लगा वो है इसका पैकेजिंग. इसका पैकेजिंग इतना अच्छा है कि प्रोडक्ट जो है बहुत ही सेफली आप लोगों के पास डिलीवर होता है. इसका कंटेनर भी ग्लास का है, इसको आप लोग अपने पर्स में लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं. तो मुझे तो इसका साइज एंड ऑल इसका पैकेजिंग बहुत ही पसंद आया. सेकेंडली मुझे अच्छा लगा इसमें जो जो इन्ग्रीडियंट्स है वो सब. तो सबसे पहले इसमें है एसेरोला चेरी, जिसमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है और ये डलनेस रिमूव करता है, स्किन का जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है बहुत ही ज़्यादा. और सेकंड इसमें है काकाडू प्लम. काकाडू प्लम जो है वो हमारा जो एजिंग का जितना भी अर्ली साइंस है उसको कंट्रोल करता है. और तीसरा है मेरा सबसे फेवरेट हाइलुरोनिक एसिड, ये स्किन का जो मॉइस्चर है उसको एकदम इंटैक्ट रखता है और स्किन को प्लम्प और बहुत ही बाउंसी बना देता है. तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे बहुत ही पसंद है. तो इसके लिए मैं इसको 5 में से 4.5 स्टार्स दूंगी. थर्ड थिंग मुझे जो अच्छा लगा इस सीरम के बारे में वो है ये स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सपल बना देता है. अगर आप लोग इसको डेली एकदम 1 month रिलीजियसली इसको यूज़ करिएगा रात को सोने से पहले, वो आप लोगों को समझ में आएगा कि दूसरे दिन जब आप लोग नींद से उठेंगे तो आप लोगों को खुद से ही पता चल जाएगा कि स्किन जो है बहुत ही अच्छा हो गया है, स्मूथ हो गया है स्किन का टेक्स्चर. और फोर्थ रीज़न मुझे जो अच्छा लगा वो ये है कि ये स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस बना देता है. मतलब टेक्सचर तो स्मूथ कर देता ही है लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर डार्क स्पॉट्स एंड ऑल हो जाता है तो ये इसको डेली यूज़ करने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि तो वो स्पॉट धीरे धीरे करके फेड हो रहा है, आप लोगों को खुद से पता चल जाएगा. तो ये सारे चीज़ मुझे इसके बारे में अच्छा लगा. लेट्स टॉक अबाउट इट्स कॉन्स. तो मुझे जो अच्छा नहीं लगा इसके बारे में वो है प्राइसिंग. मतलब इसका साइज़ है 30 ml और 30 ml के लिए आप लोगों को 975 rupees ऐसे ही स्पेयर करना होगा. तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग थोड़ा सा कम होता तो अच्छा होता. इसलिए ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये आपका जो कम्प्लेक्शन है उसको एकदम ब्राइट और ल्यूमिनस कर देगा, लेकिन ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने इतने महीनों के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ऑब्वियसली ये आपके स्किन का टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है, स्किन का जो डलनेस है वो भी कम कर देता है, लेकिन कम्प्लेक्शन कुछ भी लाइट नहीं होता है. और ये इसका एक कॉन्स है, ये लोग क्लेम करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है. और बस यही दो चीज़ मेरा जो है इसका उतना पसंद नहीं आया है. बाकी स्मेल वेल जो भी है वो ठीक ठाक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.